हेलो गाइस, क्या आप भी लिमिटेड बजट में एक बहुत ही बेहतरीन ब्लूटूथ स्पीकर बनाना चाहते हैं जो देखने में तो बहुत ही सिंपल हो लेकिन बिल्ड क्वालिटी लाजवाब हो, साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी मिनिमम 5 से 6 घंटे के हो? तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में पूरी सर्किट डायग्राम के साथ दिखाने वाला हूँ कि ये ब्लूटूथ स्पीकर आप कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को मैं जितना हो सके छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हर एक कमेंट्स की रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से ये ब्लूटूथ स्पीकर बना पाएंगे। तो आप देख रहे हो टेक्निकल बॉक्सी, मैं हूँ सोमोजीत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बिल्ड में मैं प्लाईवुड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप चाहते हैं तो MDF या वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ लकड़ी के टुकड़ों को कॉर्नर में सुपर ग्लू के मदद से चिपक दीजिए, स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए और स्क्रू माउंटिंग होल्स करने के लिए। चिपक जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए अब इसे फटाफट जोड़ लेते हैं। आप अगर चाहते हैं तो हर एक कॉर्नर में थिन कार्डबोर्ड को लगा सकते हैं कॉर्नर्स को स्मूथ करने के लिए। सबसे पहले किए गए छेद पर स्विच को फिट कर लेते हैं। इसके लिए आप हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी पेंट्स को इस्तेमाल में नहीं लेने वाला हूँ बल्कि बैग्स में इस्तेमाल में लिए जाने वाला कपड़ों को इस्तेमाल करने वाला हूँ। सबसे पहले इस कपड़ों को साइज में कट कर हॉट ग्लू की मदद से जोड़ लेते हैं। और फ्रंट साइड के लिए एक पतले कपड़ को इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि साउंड बाहर निकल सके। उसके बाद चार्जिंग इंडिकेटर और पावर इंडिकेटर के लिए 2 LED जोड़ लेते हैं। यहाँ पर मैं 3 इंच फुल रेंज ऊपर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे पहले हॉट ग्लू की मदद से जोड़ लेते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर 4 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर BMS देना जरूरी है। इसका सर्किट वायरिंग बहुत ही आसान है जिसका सर्किट डायग्राम आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। यहाँ पर एम्पलीफायर के लिए TAM-H4-03 को इस्तेमाल कर रहा हूँ जो 5 वोल्ट पर ऑपरेट करता है। तो चलिए फटाफट वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ऑडियो रिसीवर के लिए मैं ब्लूटूथ पैनल को इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन भी है।
जिस वजह से आप इस ब्लूटूथ स्पीकर की मदद से कॉल्स भी ले सकते हैं। स्क्रू फिक्स करने की जगह पे कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा फेविकॉल लगा लेते हैं ताकि स्क्रू फिक्स करने की वजह से कपड़ा फट ना जाए। तो अब ये हो चुका है कॉम्प्लीट। तो आप बताइए कमेंट में कि देखने में कैसा लग रहा है। तो आप बढ़ रहे थे टेस्टिंग की। सबसे पहले चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए रेड इंडिकेटर जल चुका है, मतलब चार्जिंग हो रहा है। आप साउंड टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पेन ड्राइव से साउंड टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ब्लूटूथ से करेंगे। ये ऑडियो डायरेक्ट मेरा फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए आप शायद थोड़ा सा डिस्टॉर्शन महसूस कर सकते हैं। तो आप चलिए ब्लूटूथ में टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं ब्लूटूथ में परफॉर्मेंस कैसा आता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ घंटे वाले आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द मिल सके। तो लेट्स एंजॉय द म्यूजिक।